साहिर लोधी, तुमने जो उस लड़की को शटअप कॉल दे के किया है, पता है उसकी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुमने किसी ढंग की यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता और किसी ढंग के कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट वगैरह जो भी किया होता, तो शायद तुम्हें लिसनिंग स्किल्स की कुछ क्लासेस मिली हुई होती और उन क्लासेस को समझ के शायद तुम आज इतनी तुम्हारे अंदर अक्ल होती कि तुम उस लड़की की पूरी बात सुनते। तुम्हें पता है तुम्हारी सिर्फ लिसनिंग स्किल्स ही खराब नहीं है, तुम्हारे उर्दू के स्किल्स भी बहुत ज्यादा खराब है। तुमने एक डिबेटर को उसकी स्पीच के दौरान तुमने चुप करवाया। तुम्हें ये तक नहीं पता कि ललकारना कहते किसे हैं और बुलाना किसे कहते हैं। जो कायदे आजम को उन्होंने कहा है, आई एम अ डिबेटर माई सेल्फ, मैं खुद उर्दू में डिबेट करती आ रही हूँ, जो उसने कायदे आजम को बुलाया था वो एक ललकारना हम जिसे नहीं कहते। तुमने जो उसकी पूरी की पूरी मीनिंग निकाली थी कि वो कायदे आजम को ब्लेम करें, आई एम सो सॉरी साहिर, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान में आकर क्या करते हुए गुजारती कि तुम्हें उर्दू नहीं समझ में आती। तुम्हारे लिसनिंग स्किल्स इतने खराब हो गए हैं या तुम्हारा मेल शोमेनिज्म सर पे चढ़ के इतना ज्यादा बोल रहा है? आखिर क्या वजह थी, क्या वजह थी कि तुमने एक लड़की को उसकी अपनी बात पूरी नहीं करने दी? वो लड़की ना भी हो, हर एक इंसान को, हर एक इंसान को, नो मैटर उसके जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसे अपनी बात पूरी कहने का हक है। इस मुल्क का कानून उसे ये हक देता है, इस मुल्क में जो मजहब है वो हक देता है, और दुनिया के इंटरनेशनल लॉज ही आपको हक देते हैं। आप किसी को बात करते हुए चुप नहीं करवा सकते, स्पेशली तब जब आपने उसको बुलाया हो बात करने के लिए, आपने उसको बुलाया हो अपनी राय देने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। और तुम्हें पता है तुमसे आज तक जिंदगी में कोई काम ठीक नहीं हुआ, तुम तो फिर ऐसे काम करते क्यों हो? तुमसे ना आज तक ना अगर तुमसे कभी कभी एक्टिंग सही हुई, ना होस्टिंग सही हुई, तुमने आज तक अपना जो काम किया ठीक से नहीं किया, तो बराए मेहरबानी वो काम करना शुरू करो जिसमें जो तुम्हें आता हो, जिसके ऊपर तुमने एटलीस्ट किसी से सर्टिफिकेट लिया हुआ हो कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो। वट एवर यू हैव बिन डूइंग नाउ, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे डिबेट्स होस्ट नहीं हो पाएंगी, सिर्फ होस्ट ही नहीं तुमसे डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएंगी, तुमसे किसी का फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं सुना जाएगा। उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, उसके लिए रीजनिंग चाहिए होती है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, यू डोंट हैव दैट। और मोर ओवर आप किसी को बुला के स्पीच करने के लिए कैसे कह सकते हैं जबकि आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स ही नहीं है? और ये जो तुमने उस लड़की को शटअप कॉल दी है ना, अपने मेल शॉविनिज्म को दिखाते हुए, जो तुमने उसको बीच में रोका है ना, तुम्हें पता है तुम्हें इस मुल्क का कानून भी इस चीज के लिए नहीं बख्श सकता। अगर उस लड़की की जगह मैं होती तो मैं अब तक तुम्हें सू कर चुकी होती। सो नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़की को, इवन किसी भी लड़के को, इस तरह बात करते हुए बीच में रोकने से पहले, और अपना ये जो तुमने जो ओवर एफिशिएंसी जो तुमने झाड़ी है ना वहां पे इतना ज्यादा जज्बाती होके, ट्रस्ट मी यू आर नॉट डूइंग योर फिल्म सीन देयर, राइट? यू आर नॉट, यू कैन नॉट प्रोजेक्ट योर सेल्फ, योर ग्लोरी एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स ह्यूमिलेशन, माइंड दैट।